दोस्तों, आप लोगों से मैं किसी भी तरीके से अलग नहीं हूँ। मुझ में और आप में बस इतना ही अंतर है कि आप सभी रात को अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोते हैं और मैं आपके और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रात भर जागता हूँ। मेरा नाम करण है, मैं 26 साल का हूँ और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं केवल 7 साल का था। तब से मुझे मेरी माँ ने ही पाला है। ये घटना तब की है जब कोरोना जैसी महामारी ने सबको अपने अपने घरों में चूहों की तरह दुबक कर बैठने पर मजबूर कर दिया था। चारों तरफ मौत का खौफ फैला हुआ था। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। हमारी घर की हालत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जब घर का राशन खत्म होने लगा तब मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। वैसे ही कोरोना के कारण काम नहीं मिल रहा था और ऊपर से मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें लीवर की प्रॉब्लम थी और उनकी दवाई खरीद सकूं इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास। इसलिए मैं काम की तलाश करने लगा और थोड़े दिन बाद मुझे अपने एक मित्र का ख्याल आया। उसका नाम ध्रुव था। वो मांस के ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था, तो मैंने उसे फोन लगाया और हमारी बात कुछ इस प्रकार हुई। हाँ हेलो ध्रुव, कैसा है भाई? अरे करण, मैं बढ़िया हूँ भाई, तू बता कैसे याद आई? वो खेल उठा। अरे ध्रुव भाई, क्या बताऊँ यार, कोई काम मिल ही नहीं रहा है और इस कोरोना के कारण सारा बाजार मंद है। अच्छा, तो भाई साहब ने काम के लिए फोन किया है? ध्रुव ने मुझे टोंट मारते हुए कहा। अबे साले, अब मुसीबत के समय तेरी माँ को तो फोन नहीं लगाऊंगा ना। हम दोनों हंसने लगे। ध्रुव ने मुझसे पूछा, अच्छा भाई, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? हाँ हाँ भाई है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, उसने तुरंत कहा। चल भाई, अब से तू मेरे लिए काम करेगा। मैं तुझे थोड़ी देर में सारी जानकारी भेजता हूँ। कल सुबह जिस जगह पर बुलाऊंगा ना, तो उस जगह पर आ जाना। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। ध्रुव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो मैं तो इतना समझ ही गया था कि मुझे एक ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ेगा। अगले दिन मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया। वो वहां पर किसी और के साथ खड़ा हुआ था। मुझे देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने मुझे बताया कि तेरे साथ ये भी काम करेगा और उस छोटे से कद के आदमी की ओर इशारा किया। उसका नाम दिव्यांश था। दिव्यांश दिखने में दुबला और पतला था, चेहरा गोल और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसने मुझे देखकर नमस्ते किया और फिर ट्रक की सफाई करने लगा। हम लोगों के बीच थोड़ी बात हुई, फिर मैं काम के लिए निकल पड़ा। शाम के 6 बज रहे होंगे, सूरज ढलने लगा था। दिव्यांश और मैंने ये तय किया था कि सुबह को वो ट्रक चलाएगा और रात को मैं। इतने भारी और विशाल वाहन को दो लोगों से ही चलवाया जाता है जब काफ़ी दूर तक सामान ट्रांसपोर्ट करना हो। हमें हरियाणा से बेंगलोर तक का सफ़र तय करना था। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी सड़क नापनी थी। हम दोनों बातचीत करते हुए, गाना सुनते हुए, पता नहीं कब आधा रास्ता हमने तय कर लिया, इसका एहसास ही नहीं हुआ। तभी हमें पोल पर रोक दिया गया। पोल पर खड़ा हुआ आदमी सख्त लहजे में बोला, आगे जाना मना है, महामारी के चलते सरकार ने नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया है। तभी दिव्यांश के फोन की घंटी बजने लगी। जी साहेब, उसने फोन उठाते हुए कहा। जी अच्छा, ठीक ठीक साहब, समझ गया। और उसने फोन रख दिया। वो हल्का सा झिझक कर बोला, अरे वो मालिक का फोन था। उसका मतलब ध्रुव से था। तो मैंने उससे हंसते हुए कहा, अच्छा और क्या कह रहे थे तुम्हारे मालिक? उसने भी हंसकर कहा, वो मालिक कह रहे थे कि वो आपको ये बताना भूल गए थे कि हाईवे आपको बंद मिलेगा, इसलिए दूसरे रास्ते का नक्शा मोबाइल पर भेज दिया है। मैंने ट्रक रिवर्स किया और दिव्यांश से कहा, चलो भाई बताओ ये दूसरा रास्ता कहाँ से जाता है। दिव्यांश रास्ता बताता जा रहा था और मैं ट्रक चलाए जा रहा था।
हम ट्रक चलाते चलाते कब शहर छोड़कर जंगली इलाके में आ गए पता ही नहीं चला। दिव्यांश को नींद आने लगी थी, इसलिए हमने एक जगह पर ट्रक रोक दी। चारों तरफ लंबे घने पेड़ और बीच में ये रोड ऐसी दिख रही थी जैसे नदी पहाड़ को चीरती हुई चली जाती है। हम इस रोड के बहाव में बह रहे थे। मैंने दिव्यांश से पूछा, सही सही रास्ता तो बता रहा था ना? उसने सक पकाते हुए कहा, जी साहब, आप खुद ही देख लो। मैंने उससे ध्रुव को फोन लगाने को कहा, पर जंगली इलाके में होने की वजह से मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हम थोड़ा इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी मेरे कानों में घंटी की आवाज आई। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आरती कर रहा था। थोड़ा इधर उधर नजर घुमाने के बाद मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, उम्र कम से कम 70 साल, धोती पहने चबूतरे पर खड़ा था और एक छोटे से प्रतिमा की पूजा कर रहा था। हम दोनों उसके पास पहुंचे। दिव्यांश बोल पड़ा, अरे पंडित जी, राम राम। वो जरा आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो व्यक्ति हमारी ओर देखकर आश्चर्य से बोला, अरे भाई, आप लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? और रही बात मदद की, वो तो माँ ही करेंगे ना आपकी। उन्होंने छोटी सी देवी माँ की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। दिव्यांश ने उन पंडित जी से रास्ता पूछा और उन्होंने बताया कि हम सही जा रहे हैं। मैंने पंडित जी से सवाल किया, अच्छा तो पंडित जी, हम तो भाई ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है, तो काम के कारण यहाँ पहुँच आए, लेकिन आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पास में ही रहता हूँ बेटा, और हर अमावस की रात यहाँ आता हूँ माँ की पूजा करने, मेरा काम यही है। उन्होंने प्रसाद देते हुए कहा, भाई आगे जाने से पहले माँ का आशीर्वाद ले लो। दिव्यांश तुरंत माथा टेकने लगा। मैंने उससे पूछा, अरे क्या कर रहे हो, पागल वागल हो क्या? उसने मुझसे कहा, साहब आज अमावस की रात है, शास्त्रों में लिखा हुआ है रात के 12 बजे से 3 बजे तक भूत प्रेत और आत्माओं को निकलने की अनुमति होती है, और आज तो उनका असर और भी ज़्यादा होता है। देवी माँ हमारी रक्षा करेंगी, इसलिए यह कर रहा हूँ। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे हंसकर कहा, अच्छा भाई, पढ़ाई लिखाई किए होते ना तो इन 2 कौड़ी की बातों में ना आते। ये सुनकर पंडित जी थोड़ा उनको बुरा लगा, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। वो नाराज होकर बोले, साहब आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर हमारे विश्वास का मजाक मत उड़ाइए। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो अब अंधेरा होने लगा है, कल सुबह तक सामान भी पहुंचाना है। पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हुए हमारी उल्टी दिशा में चल दिए। हम दोनों ट्रक में बैठ गए। मैं ट्रक को चला रहा था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, तारे टिमटिमा रहे थे, कीड़े मकौड़ों की आवाज आ रही थी। लगभग 2 घंटा ट्रक चलाने के बाद एक कच्चा रास्ता आ गया, सड़क पतली होती गई। मैंने कुछ समय बाद ध्यान दिया कि जंगल पूरी तरह से शांत हो चुका था, मेरा मतलब छोटे मोटे कीट पतंगों की आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी सामने मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, उसके नीचे से ट्रक गुजारते ही ट्रक के ऊपर धड़ाम से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ये सुनकर दिव्यांश जो सो रहा था वो जाग गया। मैं ट्रक को धीमा करने लगा तो उसने कहा, अरे क्या हुआ साहब, ट्रक क्यों रोक रहे हो? तो मैंने उसे बताया कि अभी अभी क्या हुआ। उसने डरते डरते कहा, साहब रोको मत, आप ट्रक रोको मत, बस चलने दो। उसने इतने डर कर ये बात बोली कि मैंने ट्रक के ब्रेक से पैर हटा लिया और ट्रक चलाने लगा। और सच बताऊं तो वो बहुत घबराया हुआ था। तो मैंने उससे कहा,
अरे डरो मत, पेड़ की कोई टहनी आकर गिर पड़ी होगी। वो मेरी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी अचानक ट्रक के छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, किसी के कदमों की। मेरे चेहरे से हंसी उड़ गई। दिव्यांश मुझसे धीरे से बोला, साहेब आप भी सुन पा रहे हैं ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। साहेब आप ट्रक रोकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दिव्यांश डरते हुए बोला और मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। ट्रक के ऊपर से किसी चीज की छलांग लगाने की आवाज आई। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। दिव्यांश ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। मैंने अपनी तरफ की खिड़की से सीधे हाथ की तरफ नजर घुमाई तो देखा कोई चीज हमारा पीछा कर रही थी। मैंने एक्सीलेटर पर पैर टिका दिया। कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ की टहनी पर छलांग लगाकर ट्रक के साथ साथ भाग रहा था। क्या वो कोई बंदर था? मैंने खुद से ये सवाल पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ट्रक को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा था। ट्रक की हेडलाइट सिर्फ सामने के रास्ते को ही रोशन कर रही थी, बाकी अगल बगल अमावस की रात का घोर अंधेरा था, जैसे चारों तरफ अंधेरे की काली चादर चढ़ गई हो। इसलिए मैं देख भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो था क्या। बस इतना दिख रहा था कि वो दो बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी। मैं पसीना पसीना होने लगा। तभी अचानक किसी चीज के फटने की आवाज आई। वो आवाज जंगल में मौजूद उस सन्नाटे को चीरती हुई चली गई। ट्रक की रफ्तार लगातार धीमी होती गई। मैं बार बार अपनी नजरें एक्सीलेटर पर दौड़ाने लगा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पैर रखा हुआ था। ट्रक का बैलेंस बिगड़ रहा था। तभी दिव्यांश बोल पड़ा, अरे साहेब उसने टायर फाड़ दिया है। हमारे ट्रक का पिछला टायर फट चुका था। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल आने लगे। कोई चोर का काम तो नहीं, या डाकू? जंगली इलाका है, कांटा तो नहीं है? नहीं नहीं, ट्रक के बड़े टायर को छोटा मोटा कांटा? इतने में दिव्यांश मुझे हिलाते हुए बोला, साहेब ट्रक का टायर बदलना पड़ेगा, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरने वाला, आप ही बदल दीजिएगा। मैंने उससे गुस्से और डर के भाव से कहा, पागल हो क्या? ट्रक का टायर कितना भारी और बड़ा होता है मालूम है ना तुझे? चल नीचे उतर, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। दिव्यांश मन ही मन कुछ बोले जा रहा था। उसने मुझसे कहा, साहेब आपने देवी माँ का अपमान किया था ना, अब देखो मरेंगे, हम दोनों मरेंगे। पागलों जैसी बातें मत करो और जो कहा वो करो, मैंने उससे गुस्से से कहा। ट्रक के पिछले हिस्से में एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा हुआ था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। मैंने जल्दी से ट्रक के पीछे के दरवाजे को खोला और दिव्यांश की मदद से टायर बदलने लगा। मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। डर क्या होता है, मुझे अपने 26 साल की जिंदगी में पहली बार पता चल रहा था। दिव्यांश टॉर्च दिखा रहा था। वहां की हवा काफी भारी हो गई थी, हवा का स्पर्श रोंगटे खड़े कर रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने दिव्यांश से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई घूर रहा हो यार। अरे साहेब क्यों डरा रहे हो, आप जल्दी कीजिए, दिव्यांश ने कांपते हुए कहा। मैंने सिर से टपकते हुए पसीनों को पोंछते हुए कहा, बस हो गया बस। बस इतना कहते ही धड़ाम की आवाज आई। ट्रक के ऊपर कुछ गिर पड़ा। हम खुले आसमान के नीचे थे। वहां कोई पेड़ नहीं था जिसकी टहनी आ गिरी हो। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अब बुद्धि लगाने का समय नहीं, जान बचाने का समय था। हम दोनों बिना कुछ बोले ही भागकर ट्रक के कैबिन के अंदर जा पहुंचे। दिव्यांश बोला, जल्दी करो साहेब जल्दी। मैंने ट्रक की चाबी लगाई और ट्रक चालू हो उठा। मैंने उस कच्ची सड़क पर भी ट्रक को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ाने लगा। तभी अचानक उस शांत जंगल में से आवाज आने लगी। ट्रक की हेडलाइट सब जलने बुझने लगी। किसी औरत की आवाज आई, वो कुछ कह रही थी, मरेंगे दो
दोनों मरेंगे। मैं मारूंगी, दोनों को मैं मार डालूंगी। और फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। दिव्यांश बोला, सुना ना अपने साहेब, वो हमें मार डालेगी और आप आपकी वजह से हम दोनों मरेंगे। और इतना बोलकर वो बिलख बिलख कर रोने लगा। ट्रक के अंदर मुर्गी और बकरे का मांस लदा हुआ था। ट्रक के पिछले हिस्से से मुर्गी और बकरे की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि पिछले हिस्से में मुर्गी और बकरे जिंदा हो गए हों। हे भगवान, ये सब क्या कम था जो ऊपर से ये सजा दे रहे हो, दिव्यांश रोते हुए बोला। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स को पल भर के लिए बंद किया और फिर चालू कर दिया। हेडलाइट्स अब अच्छे से काम कर रही थी। अब सामने की सड़क अच्छे से दिखाई दे रही थी। मैंने जब सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। सामने का दृश्य देखकर मुझे उल्टी आने लगी। सड़क पर जानवर मरे कटे पड़े हुए थे। सड़क खून से नहाई हुई थी। जानवरों की आंतें और मांस बाहर पड़े हुए थे। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन उन जानवरों की लाश के ऊपर से ही निकाल दिया। लेकिन ट्रक हल्का सा लड़खड़ाया। कहीं से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा ट्रक के आगे की खिड़की पर आकर लगा। मैंने हड़बड़ाहट में वाइपर चला दिया और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कांच पूरी तरह खून से सन गया। सामने कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया। मैंने दरवाजे की खिड़की को नीचे किया और सिर निकाल कर बाहर देखने लगा और ट्रक चलाता रहा। दिव्यांश जोर से बोला, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मेरा दिमाग अब और नहीं झेल सकता था ये सब। मैं माँ को याद करने लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पागल सा हो रहा था। तभी मैंने ट्रक को जोर से ब्रेक मारा। दिव्यांश चिल्ला कर बोला, अरे साहेब, सठिया गए हो क्या? ट्रक भगाओ। मेरी आंखें सामने की तरफ टिकी हुई थी। सामने एक औरत खड़ी हुई थी। उसके काले लंबे बाल थे जो पूरे चेहरे को ढक रहे थे। वो कौन है, मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी हवा का एक झोंका आया और मेरे प्रश्न का उत्तर दे गया। उस हवा के झोंके ने उस औरत के चेहरे को छुपा रहे बालों को हटा दिया। माँ, मैं आश्चर्य से बोला। वो मेरी माँ थी। उसके हाथ में कुछ था और वो चाकू था। माँ ने धीरे से वो चाकू अपने गले की ओर बढ़ाया। मैं चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, रुको माँ। मैं जल्दी से सीट बेल्ट खोलने लगा। दिव्यांश ने मुझसे चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो साहेब, बाहर मत जाओ। माँ अपना गला उस धारदार चाकू से काटने लगी। उसकी गर्दन से खून की नदियां बहने लगी। वो पागलों की तरह हंस रही थी और उसके चेहरे पर एक कान से दूसरे कान तक मुस्कान फैली हुई थी। मैं चिल्ला रहा था, नहीं माँ, मत करो ऐसा, ये तुम क्या कर रही हो माँ। मैं बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा। दिव्यांश मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो बोल रहा था, साहेब बाहर जाओगे तो मरोगे, बाहर आपकी माँ नहीं है। मैंने उसे जोर से तमाचा मारा और दरवाजा खोल दिया। मुझे उस समय ये ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरी माँ इस समय यहाँ क्या कर रही होगी। तभी दिव्यांश जोर से चिल्ला उठा, हे देवी माँ, हमें माफ करो, तुम भी तो एक माँ हो ना, किसी दूसरे माँ से उसका बच्चा छीनने का दुख तो समझती हो ना, हाँ हमें माफ कर दो। और इतना बोलकर उसने मेरे सिर पर राख रगड़ दी। उसने देवी माँ के मंदिर से वो राख यानी भभूत अपने साथ रख ली थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं ट्रक से नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। आगे का मुझे कुछ ध्यान नहीं है। आगे की बात मेरी माँ और दिव्यांश ने मुझे बताई थी। मेरे बेहोश होने के बाद जब मैं ट्रक के कैबिन से नीचे गिर पड़ा, तब सूरज के किरण रात के अंधेरों को फाड़ती हुई उजाला करने लगी। दिव्यांश जब बाहर उतरा तो उसने देखा सामने खाई थी। ट्रक खाई में गिरने से बाल बाल बचा था। उसने ध्रुव और मेरी माँ को फोन लगाया। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरा सर बुरी तरह से फट गया था। मुझे 5 टांके लगे थे। अस्पताल में होश आने के बाद मैं अजीब अजीब हरकतें कर रहा था।
मेरी माँ इस हालत में मुझे देखकर रो पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर चोट आने की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, शायद ही मैं ठीक हो पाऊँ। ये बोलकर डॉक्टर फिर कमरे से बाहर चले गए। मेरी माँ पूरी तरह से टूट गई। दिव्यांश उन्हें शांत कराने लगा। ध्रुव गंभीर स्वर में दिव्यांश से पूछा, दिव्यांश पूरी घटना बताओ, कि आखिर क्या हुआ था, करण का ये हाल कैसे हुआ। दिव्यांश ने पूरी घटना माँ और ध्रुव को बताई। मेरी माँ ध्रुव को कोसने लगी, तेरी वजह से हुआ ये, तो तूने ही काम पर रखा था ना, इतना अच्छा लड़का था मेरा, देख देख क्या हालत हो गई है इसकी। इधर 3 दिन बीत गए, लेकिन मेरी हालत वैसे की वैसी ही थी। मेरी माँ की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। माँ चलो तुम मेरे साथ चलो, ध्रुव माँ से बोला। वो मेरी माँ को अपनी माँ की तरह ही देखता था, माँ ही पुकारता था, वो अपनी माँ की तरह ही सम्मान देता था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, माँ की आंखों से आंसू को दूर करके ही रहेगा वो। उस दिन शायद गुरुवार का दिन था, इतना अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन हाँ उस दिन अमावस थी, ये मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ। ध्रुव ने एक छोटी सी गाड़ी का इंतजाम कर लिया था, मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उस गाड़ी में दिव्यांश, ध्रुव, माँ और मैं था। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था। दिव्यांश बताता है कि वो लोग सुबह निकल गए थे उसी पंडित जी से मिलने के लिए, उसी रास्ते पर जहाँ कुछ ही दिनों पहले मेरी मौत ने मुझे बख्श दिया था। अंधेरा होता जा रहा था, वहाँ के लंबे लंबे पेड़ सूर्य अस्त होने से पहले ही सूरज के ना होने जैसा महसूस करा रहे थे। ध्रुव गाड़ी चलाया जा रहा था, तब उसने दिव्यांश से पूछा, कहाँ मिला था वो मंदिर, यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वो साहेब अपने दाएं तरफ देखते रहिए, मैंने भी उसी तरफ देखा था, दिव्यांश चिंता भरी आवाज में बोला। अब सूरज डूब चुका था, चारों तरफ बिल्कुल घुप अंधेरा था। ध्रुव ने गाड़ी को धीमा कर लिया और बोल पड़ा, जंगल में रुकना सही नहीं है, वापस चलें क्या। तभी उसकी बात को काटती हुई माँ बोली, वो क्या है। रात के घने अंधेरे में कहीं से हल्की हल्की रोशनी दिखाई पड़ रही थी, वो पूजा करने के लिए प्रज्वलित किया गया दीपक था, या यूं कहूं आशा की किरण थी वो। दिव्यांश तुरंत बोला, वहां वहां होंगे वो पंडित जी। ध्रुव ने गाड़ी को वहीं पर मोड़ दिया और एक जगह लगा लिया। पैदल चलते चलते कानों में घंटी की आवाज आने लगी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। वो पंडित जी थे जो रात की आरती कर रहे थे। जब तक आरती पूरी नहीं हुई तब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने दीपक नीचे रखा और बिना पीछे मुड़े बोले, कहो क्या हुआ, किसी काम से आए हो क्या। वो पीछे मुड़े, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माँ पंडित जी के पैर में गिर गई और रोते रोते बोली, आपको तो सब पता ही है पंडित जी, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए पंडित जी। माँ को उठाते हुए पंडित जी बोले, मेरे पैर नहीं, इनके पकड़ो, मैं नहीं, ये करेंगे तुम्हारे बच्चे को ठीक। दिव्यांश ने उन्हें सारी बात बताई और फिर मेरी ओर देखकर पंडित जी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। वो बोले, देखो बेटी, हवन करना होगा, आज अमावस की रात है, अगर आज कुछ नहीं किया तो तेरे बेटे को मौत के मुंह में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दिव्यांश और ध्रुव ये बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, बताइए पंडित जी क्या क्या सामान लाना होगा। पंडित जी ने ध्रुव को सामान की एक पर्ची पकड़ा दी और ध्रुव गाड़ी लेकर चला गया। माँ ने मुझे उस मंदिर के छोटे से चबूतरे पर बैठा दिया। पंडित जी दिव्यांश की ओर देखकर बोले,
बेटा, तू जो भभूति ले गया था ना, उसका क्या हुआ? दिव्यांश बोला, पंडित जी, उसके कारण ही हम सभी आपके सामने हैं, वरना अभी जिंदा नहीं बचते हम। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, तेरा बेटा नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है। इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए, ईश्वर के आगे रेत के दाने के समान ही होता है। देख ले अब कैसे सजा भुगत रहा है ये। मुझे कोई होश नहीं था, पागलों की तरह बस सिर गोल गोल घुमाए जा रहा था। रात और अंधेरी होती जा रही थी, गाड़ी के हॉर्न मारने की आवाज आई। ध्रुव सारी सामग्री ले आया था। रात के 10 बज चुके थे, हवन शुरू हुआ। पंडित जी ने मुझे सामने बिठाया और अग्नि प्रज्वलित करी। वो हवन सामग्री को डाल रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। आगे दिव्यांश बताता है कि मैं सीधा बैठ गया। हवन की अग्नि भड़क उठी, चारों तरफ सरसराहट की आवाज आने लगी। पंडित जी के मंत्र पढ़ने के बाद जब उन्होंने स्वाहा कर हवन सामग्री को अग्नि में समर्पित किया तो मैं जोर से चिल्ला उठा, नहीं नहीं नहीं, तुझे लगता है कि तू अपमान करेगा मेरा और जिंदा बच जाएगा? कभी नहीं। और जोर जोर से मैं सिर हिलाने लगा। पंडित जी बोले, माँ ये नादान है, इसे माफ कर दे। इससे जो गलती हुई उसकी सजा इसे मिल चुकी है, अब गुस्सा थूक दो माँ। नहीं, अपमानित किया इसने मुझे, अपमानित। ये देख माँ, तेरे गुस्से के कारण इसकी माँ कितने कष्ट में है। तेरा क्रोध एक माँ से उसका बच्चा छीन लेगा आज। तू तो ऐसा कभी नहीं चाहेगी ना। पंडित जी माँ की ओर इशारा करते हुए बोले, मैं तेरी इतने लंबे समय से पूजा करता आ रहा हूँ माँ, सेवा करता आ रहा हूँ, आज तक तुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांगता हूँ, थोड़ी ममता दिखा, इस बच्चे को माफ कर दे माँ। तभी मेरे मुंह से आवाज आई, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अब से तुम नहीं ये मेरी सेवा किया करेगा, हर अमावस की रात को ये मेरी पूजा करेगा। पंडित जी ने हामी भरते हुए कहा, जैसी तेरी इच्छा माँ। और बस इतना कहते ही मैं बेहोश हो गया। कल सुबह मेरी आंख खुली, मैं कहाँ हूँ माँ? मैंने अपने आसपास देखते हुए कहा, तू पंडित जी के घर में है बेटा। मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई मेरा सिर सहला रही थी। पंडित जी? कौन पंडित जी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बगल में ध्रुव और दिव्यांश भी खड़े हुए थे। माँ ने रात की सारी घटना मुझे बताई। पंडित जी का घर 2 कमरों का था। मैं वहां से बाहर निकला और कमरे के बाहर आ गया। उनका घर किसी पहाड़ की चोटी पर था। सुबह के 7 बज रहे होंगे, सूर्य उदय हो चुका था। मेरी नज़र सामने की ओर गई। सामने पंडित जी खड़े हुए थे और सूरज को जल अर्पण कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर मेरी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराकर बोले, अरे करण, उठ गए बेटा तुम? मेरी आंखों में नमी थी। उन्होंने मुझसे कहा, चलो नहा लो, तुम्हें गुरु दीक्षा भी देनी है। तुम्हारी माँ ने अभी तक तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका उपकार कैसे चुका सकता हूँ। वो कुछ देर तक चुप्पी साधे रहे, फिर बोले, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर देना। और फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे। जैसा आप चाहें पंडित जी, मैंने उनसे कहा। मैंने उस दिन पंडित जी से दीक्षा ली और देवी माँ के मंदिर में जाकर उनकी आरती करी। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी शादी हो चुकी है और 2 बेटियां भी हैं। मैं उन्हें देवी माँ का ही देन मानता हूँ। पंडित जी का देहांत मेरी शादी के 3 साल बाद हो गया था। मैंने उनका अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान के साथ किया था। अब हर अमावस की रात मैं देवी माँ के मंदिर जाता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। भूत डामर तंत्र एक ऐसी किताब है जिसमें आपको तमाम खौफनाक साधनाओं के बारे में जानने को मिलेगा।
इसमें ऐसी साधनाओं की जानकारी दी गई है जो आपको दुनिया के सारे सुख प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, इस महीने मैं आपको सुनाऊंगा भूत डामर तंत्र की साधनाओं की कहानी, जो आपको एक खौफनाक और सस्पेंस से भरी दुनिया में ले जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी किन्नरी साधना पर आधारित है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अकल्पनीय है। आज की इस डरावनी कहानी से आपको ये जानने को मिलेगा कि ये साधना कौन से सुख दे सकती है और इसके कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये डरावनी कहानी। मलिका एक राजघराने की बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल की थी। बड़े घराने की बेटी होने पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। उसे छोटे लोगों से बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बर्ताव के कारण ही लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। पूरे गांव में सबसे बड़ा परिवार मलिका का ही था, जहां करीब 15 लोग रहा करते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था उसके घर में, लेकिन एक रात मलिका के कमरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर मलिका की माँ महिमा जाग गई। उसने देखा कि मलिका का पिता वीरेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। उसे मलिका के कमरे से और तेज आवाज सुनाई दी, इसलिए वो डर कर तुरंत उसके कमरे की ओर भागी। उसने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन काफी समय तक मलिका ने दरवाजा नहीं खोला। महिमा को घबराहट हो रही थी। वो वीरेंद्र को बुलाने ही जा रही थी कि तभी अचानक उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी वक्त मलिका ने उसे गले लगा लिया। मलिका रोने लगी और ये देख महिमा को और डर लगने लगा कि न जाने क्या हुआ होगा। उसने उसके रोने की वजह पूछी तो मलिका ने कहा, माँ, ये अनु पागल हो गई है। देखो ना, कैसे हंस रही है मेरे कमरे में बैठकर। मैंने इससे कहा कि वो मेरे कमरे से चली जाए, लेकिन वो और जोर जोर से हंसने लगी और मुझे दरवाजा भी नहीं खोलने दे रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे हवेली से बाहर निकाल दो माँ। उसकी बात सुनकर महिमा को हैरानी हुई। उसने कमरे में झांका और देखा कि अनु पलंग के पास बैठे हुए न जाने क्या देखते हुए अजीब तरीके से हंस रही थी। वो कमरे में गई और उसने अनु से पूछा कि उसे क्या हुआ, लेकिन अनु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और जोर जोर से हंसने लगी। इतने में ही वीरेंद्र वहां आ गया और बोला, क्या हो रहा है यहाँ और ये अनु ऐसे क्यों हंस रही है। तभी मलिका ने कहा कि अनु पागल हो गई है, इसलिए उसे हवेली में रखना ठीक नहीं है। इस पर वीरेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, जरूर अनु की तबीयत ठीक नहीं होगी, ऐसे कुछ दिन की छुट्टी देना ही सही रहेगा, मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरानी ले आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। अनु मलिका की नौकरानी थी, जो पूरी हवेली में सबसे छोटी और बेहद खूबसूरत भी थी। उसकी उम्र 17 साल की थी। उसकी खूबसूरती को देखकर ही मलिका को अनु से नफरत होती थी। न जाने उस दिन अनु को क्या हो गया था जो वो ऐसी हरकत कर रही थी। उसकी हरकत देखकर महिमा ने तुरंत उसे अपने घर जाने को कह दिया और एक आदमी उसे उसके घर पर छोड़ाया। उसके जाने के बाद मलिका को खुशी हुई और वो चैन से अपने कमरे में जाकर सो गई। 2-3 दिन बीते और अनु फिर से उसे हवेली में दिखाई दी, जिसे देखकर मलिका का खून खौलने लगा। वो उसके पास गई और बोली कि वो वापस हवेली में क्यों आई है। तो अनु ने कहा, वो अब मेरी तबीयत ठीक है ना दीदी, इसलिए मालकिन ने मुझे वापस बुला लिया। माफ़ करना, उस रात पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैं ऐसी वैसी हरकत करने लगी। लेकिन मलिका बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चली गई। उसी शाम को अनु हवेली के बाहर फूलों में पानी डाल रही थी कि तभी हवेली में कुछ मेहमान आए और उसी समय मलिका का भी हवेली के बाहर आना हुआ। उसने देखा कि विशाल नाम का एक जवान लड़का अपने पिता के साथ वीरेंद्र से मिलने आया हुआ है।
मलिका विशाल को बहुत पसंद करती थी। वो इससे पहले भी उससे 2-3 बार मिल चुकी थी, लेकिन विशाल अनु की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मलिका को बेहद गुस्सा आया। वो विशाल के पास गई और उसे हवेली के अंदर आने को कहा, लेकिन विशाल ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मलिका और नाराज होकर वहां से चली गई। अनु ने विशाल की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान देकर हवेली के अंदर चली गई। उस रात विशाल और उसके पिता हवेली में ही ठहर गए। रात के 10 बज रहे थे जब अनु मलिका का पैर दबा रही थी। तभी कमरे में विशाल आ गया और अनु को देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर मलिका के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी कि तभी अचानक से न जाने क्यों अनु की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वो अपने सर को पकड़कर बैठ गई। विशाल इससे पहले कि उससे कुछ पूछ पाता, अचानक से अनु ने अपने ही बाल नोचने शुरू कर दिए और चिल्लाने लगी। ये देख विशाल चौंक गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनु ने उसे जोर से धक्का मारकर गिरा दिया। अनु अजीब सी आवाज निकालते हुए हाथ में आने वाली हर चीज फेंकने लगी। मलिका ने कहा, मैंने कहा था ये पागल हो गई है, लेकिन फिर भी माँ ने इसे हवेली में वापस बुला लिया। विशाल पूरी तरह से डर गया था। तभी अनु भी बेहोश हो गई और तोड़फोड़ की आवाज सुनकर विशाल और मलिका के पिता वहां आ गए। उन्होंने कमरे की हालत देखी और जब उन्हें पता चला कि अनु ने यह सब किया है, तो उन्होंने तुरंत उसे घर भेजने का फैसला लिया और साथ ही अनु को हवेली से भी निकाल दिया। विशाल को यह देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाया। फिर उसी रात जब सब लोग वापस अपने कमरे में गए, तब मलिका अकेली थी। उसने कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद किए और आंखें बंद करके एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या करना होगा अब मुझे? जब मलिका ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक सुंदर स्वरूप को खड़े हुए देखा। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वो एक किन्नरी थी। मलिका ने कहा, मुझे सुंदरता चाहिए तुम्हारी जैसी। तो किन्नरी ने कहा, ये एक ही पल में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा आकर्षण बढ़ता जाएगा। ये कहकर वो वहां से गायब हो गई और मलिका की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद 2-3 दिन बीते और समय के साथ साथ मलिका के चेहरे पर अलग ही चमक आने लगी और हर कोई ये देखकर हैरान हो गया कि वो इतनी सुंदर कैसे लग रही है। इधर विशाल भी किसी काम से अपने पिता के साथ हवेली में ही रह रहा था, लेकिन उस पर मलिका की सुंदरता का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देखकर मलिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर एक रात उसने विशाल को हवेली के बाहर कहीं जाते हुए देखा और वो भी उसका पीछा करने लगी। विशाल भागते हुए गांव के पास वाली नदी के पास पहुंच गया और एक पत्थर पर बैठकर किसी का इंतजार करने लगा। लेकिन मलिका ये सब छुपकर देख रही थी। तभी विशाल ने एक आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि आज तुम उसे मिलने जरूर आओगी। उसके पीछे अनु खड़ी हुई थी। अनु और विशाल को साथ देखकर मलिका गुस्से से लाल हो चुकी थी। विशाल और अनु साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी मलिका ने फिर से मंत्र का जाप किया और मन में एक इच्छा रखी। तभी अनु के चेहरे का भाव बदलने लगा और मलिका वहां से चली गई। विशाल ने अनु का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अनु ने उसे धक्का मारा जिससे विशाल जमीन में गिर गया। तो उसने कहा, क्या हो गया अनु, तुम ठीक तो हो? अनु के गले से अजीब सी आवाज निकलने लगी। वो आवाज सुनकर विशाल दंग रह गया। अनु ने आसपास देखा और उसे एक नुकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उससे विशाल को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन समय पर विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा।
लेकिन अनु काबू के बाहर हो रही थी। उसने वापस से विशाल को धक्का दिया जिससे वो सीधे नदी में जा गिरा। पानी में गिरते ही वो वापस बाहर निकल कर आया, लेकिन उसके घुटने में चोट लगने की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इसी का फायदा अनु ने उठाया और उसी नुकीले पत्थर से उसने विशाल के सर पर वार किया जिससे उसके सर में गहरी चोट लगी और खून भलभलाकर बहने लगा। अनु वापस से उस पर वार करने ही वाली थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज दी, अनु क्या कर रही है? अनु ने पीछे देखा, पीछे मलिका खड़ी थी। वो भागते हुए विशाल के पास आकर बैठ गई और उसे सहारा देने लगी। मलिका के साथ एक और आदमी था जो हवेली में काम करता था। उसने अनु को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी अनु ने उसी नुकीले पत्थर से उस आदमी की आंखें फोड़ दी। ये देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया। लेकिन ऐसी से अनु का मन नहीं भरा। जब वो आदमी चीख रहा था तब अनु ने उसके मुंह में उसी नुकीले पत्थर को घुसा दिया जिससे उसी समय उस आदमी की मौत हो गई। मलिका ये देखकर सुकून में थी और विशाल की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उस आदमी के मरते ही अनु भी बेहोश हो गई। मलिका ने कहा, अब तो यकीन हो गया ना कि ये पागल है और कभी भी किसी की भी जान ले सकती है ये। मैं नहीं होती तो उस आदमी की जगह तुम होते विशाल। विशाल कुछ कह पाने की हालत में नहीं था। मलिका उसे सहारा देते हुए हवेली ले गई जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया। जब विशाल ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पिता और वीरेंद्र उसके पास थे। उसके पिता ने बोला, मलिका ने हमें सब बता दिया है, तुम उस पागल लड़की के पीछे क्यों गए थे? विशाल ने कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ सोच रहा था। तभी उसने मलिका से पूछा, अच्छा मलिका तुम वहां कैसे पहुंची? ये सुनकर मलिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अटक अटक कर बातें करने लगी और उसने कहा कि वो बस सैर पर निकली थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन विशाल को ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा। वीरेंद्र ने फैसला लिया कि अब अनु को पुलिस के हवाले करना ही सही है, वरना उसकी हरकतें गांव वालों पर खतरा बन सकती है। तभी विशाल ने कहा, नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो दिमागी रूप से बीमार है इसलिए उसने ये सब किया, हमें उसका इलाज कराना होगा। लेकिन मलिका को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि अनु किसी भी तरह सबकी जिंदगी से चली जाए। फिर एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया। अनु को गांव के ही छोटे से अस्पताल में भर्ती कर दिया गया जहां उसे एक बंद कमरे में रखा जाता था। विशाल की हालत तब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके मन से अनु नहीं उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र ने विशाल के पिता से मलिका और विशाल की शादी की बात तय कर दी थी। इससे मलिका बहुत खुश थी। वो तुरंत विशाल के पास गई और उसने उसे ये बात बताई जिसे जानकर विशाल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। विशाल ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया और यह सुनकर मलिका चौंक गई। विशाल वहां से न जाने पता नहीं कहां चला गया। मलिका ने गुस्से में कहा, ये सब अनु की वजह से ही हो रहा है, शुरू से वो मेरे हर काम में टांग अड़ा रही है, उसे इसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। फिर थोड़ा समय बीता, रात के 1 बज रहे थे जब अनु चुपचाप उस अंधेरे कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसे किसी के पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस कमरे की तरफ आ रहा हो। अनु डरी हुई थी क्योंकि वहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, उसे बार बार टॉर्चर किया जाता था, इसलिए उसे लगा कि डॉक्टर फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं। वो डर के मारे एक कोने में बैठी हुई थी कि तभी अचानक उसके हाथ में ऊपर से कुछ टपका। अंधेरे में अनु को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर से उसे हाथ में कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। उसने उस चीज को सूंघकर देखा, उससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी।
अनु उस कोने से उठकर दूसरी तरफ चली गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके बालों को पीछे से सहला रहा हो। अनु पीछे मुड़ी लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसे वापस से चक्कर सा आने लगा और वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसके गले से फिर से गुर्राने की आवाज निकलने लगी और वो अपने नाखूनों की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने आप को ही नोचना शुरू कर दिया। वो खुद चिल्ला रही थी और अपने हाथ को नोच रही थी। उसकी चीख सुनकर कुछ लोग उसके कमरे में आ गए और उन्होंने जो देखा वो देख उनके भी पसीने छूट गए। अनु जमीन पर पड़े हुए कभी खुद को नोच रही थी तो कभी जमीन को नाखूनों से रगड़ रही थी। उन लोगों ने अनु के हाथ पैर पकड़े और उसे एक कमरे में लेकर गए। अनु बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई थी, बार बार खुद को छुड़ाने और वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इतने में ही उन लोगों ने उसे पलंग से बांध दिया और चले गए। कुछ देर तक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अनु सो गई। उसके 2 घंटे के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और अनु की नींद भी खुल गई। उसने देखा कि विशाल उससे मिलने आया हुआ था। अनु उसे देखकर हैरान थी, लेकिन उसका शरीर उस समय इतना कमजोर हो गया था कि वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विशाल ने उसकी हालत देखी और वो भी दंग रह गया था। वो उसके पास जाकर बैठा और बोला, क्या हुआ है अनु, ऐसी अजीब हरकतें अचानक क्यों करने लगती हो तुम? लेकिन अनु ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा, पता नहीं अचानक क्या हो जाता है, मेरे मन में अजीब अजीब सी इच्छाएं जागने लगती है। कभी किसी को मारने का मन करता है, कभी रोने का, तो कभी हंसने का, तो कभी खुद को ही नोच खाने का मन करता है। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो बिल्कुल मलिका दीदी जैसे लगती है। वो मुझसे कहती है कि मैं वैसी हरकतें करूं, तो मैं ठीक वैसा ही करने लग जाती हूँ। विशाल को यह सब बड़ा अजीब लगा और उसे मलिका पर शक होने लगा। उसने पूछा कि यह सब कब शुरू हुआ, तो अनु याद करने लगी और उसने एक रात की घटना के बारे में बताया। एक रात जब अनु मलिका के कमरे की सफाई कर रही थी, तब अचानक उसके अलमारी के एक ड्रॉअर में उसे एक पुरानी से किताब नजर आई जिस पर लिखा हुआ था, भूत डामर तंत्र। वो वही किताब थी जिसे मलिका हर रात सोने से पहले पढ़ा करती थी। तभी मलिका कमरे में आई और उसने अनु के हाथ में वो किताब देख ली। उसने उससे वो किताब छीनी और उसकी चीजों को हाथ लगाने से मना कर दिया। अनु को अजीब लगा तो वो कमरे से बाहर गई और बाहर जाकर मलिका पर नजर रखने लगी। तभी मलिका ने उस किताब के कुछ पन्ने पलटे और उसे पढ़ने लगी। कुछ लाइन पढ़ने के बाद वो अलमारी से एक संदूक निकालने लगी। उसमें कुछ अजीब चीजें रखी हुई थी, जैसे कि गुलाबी कपड़ा, एक यंत्र और एक माला। इसके अलावा उसमें पूजा पाठ की भी चीजें थी, जैसे कि घी, दीपक, अगरबत्ती, केसर, आम के पत्ते, हल्दी से रंगा हुआ चावल। इन चीजों को मलिका ने एक बैग में रखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर जाने लगी। वो शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की रात थी। उस समय 10 बज रहे थे। सारा सामान लेकर मलिका हवेली के बाहर चली गई। हालांकि अनु ने उसका पीछा नहीं किया। सुबह के 5 बजे मलिका घर आई। तब तक अनु उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि मलिका के हाथ में गुलाबी कपड़ा था और बाकी कोई भी सामान नहीं था जो वो लेकर गई थी। उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। वो जल्दबाजी में उस कपड़े को लेकर कमरे में गई और उसने अंदर से कमरे को बंद कर दिया। अनु को कुछ समझ नहीं आया कि मलिका कर क्या रही है। और फिर उसी के अगले दिन विशाल हवेली में पहली बार आया था, जहां उसने मलिका और अनु को पहली बार देखा था। पहली बार में ही विशाल ने अनु को और मलिका ने विशाल को पसंद कर लिया था। लेकिन मलिका ने देखा कि विशाल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और हर समय उसकी नज़र अनु पर ही रहती थी।
इसलिए उसे अनु से जलन होने लगी थी। फिर उस दिन तो विशाल वापस चला गया, लेकिन रात को अनु के साथ पहली बार कुछ अजीब सी चीज हुई। जब वो मलिका के कमरे से जा रही थी तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले में कुछ नुकीली चीज चुभा दी हो और कोई नशीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच गई हो। अचानक उसके सर में दर्द होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर उसे मलिका की आवाज सुनाई देने लगी। उसने कहा, जोर जोर से हंस अनु। ये सुनते ही अनु जोर जोर से हंसने लगी और पलंग के पास बैठ गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर ही महिमा मलिका के कमरे में आ गई और ये वही रात थी जब अनु ने अजीब हरकतें करनी शुरू की थी। ये सारी बात जानकर विशाल को कुछ समझ आने लगा और उसने अनु को कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो हवेली चला गया। वहां जाकर वो चुपचाप मलिका के कमरे में गया, लेकिन उसने देखा कि मलिका वहां नहीं है। उसने उसकी अलमारी का ड्रॉर खोला और भूत डामर तंत्र की किताब लेकर तुरंत अपने कमरे में चला गया। कमरे से कुछ अजीब आवाज आती सुनकर मलिका वॉशरूम से बाहर आई, लेकिन तब तक विशाल जा चुका था, इसलिए उसे शक भी नहीं हुआ। विशाल कमरे में जाकर उस किताब के पन्ने पलटकर देखने लगा। हर पन्ने पर मंत्र और कुछ साधनाओं की विधि लिखी हुई थी। फिर वो उस पेज पर पहुंचा जिसमें बुकमार्क लगा हुआ था और वो पन्ना था किन्नरी साधना का, जिसमें सारी विधि मंत्रों के साथ लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि किन्नरी साधना से साधक किन्नरी को माँ, बहन, पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकता है और उसकी मदद से किसी को भी अपने वशीभूत कर सकता है। विशाल को अब समझ आने लगा कि हो ना हो मलिका ने अनु को अपने वश में ही कर रखा है और वही उससे सारे गलत काम कराती है। उस किताब में किन्नरी साधना करने की पूरी विधि लिखी थी और ये साधना एक दिन की साधना होती है जिसमें पुष्प किन्नरी को सिद्ध किया जा सकता है। किन्नरी शांत स्वभाव की तो जरूर होती है, लेकिन साधना में की गई एक भी भूल साधक को भारी पड़ सकती है। इसकी साधना एकांत जगह पर शांत मन से की जाती है। पहले चौकी को गंगा जल से धोकर उस पर गुलाबी कपड़ा बिछाया जाता है और फिर किन्नरी देवी की प्रतिमा रखकर किन्नरी साधना तंत्र रखा जाता है। इसके बाद गणेश जी की पूजा करके गुरु मंत्र का जाप किया जाता है और शुद्ध घी का दीपक जलाकर किन्नरी माला का जाप किया जाता है। फिर जब जाप के बाद किन्नरी देवी सामने आती है तो उन्हें आधा पान खोलकर आधा पान स्वयं खाना होता है। इसके बाद किन्नरी देवी से वचन मांगा जाता है कि वो हमेशा साधक की बात मानेगी। किन्नरी देवी वो हर इच्छा पूरी करती है जो साधक के मन में होती है और इसी के जरिए मलिका ने अनु को वशीभूत कर दिया था। एक बात जो उस किताब में थी वो ये कि पूजन के बाद गुलाबी कपड़े को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना होता है, लेकिन अगर आसपास कोई पवित्र नदी ना हो तो उसे ऐसी जगह छुपाकर रखा जाता है जहां किसी की नजर ना पड़े, वरना इसके विपरीत परिणाम साधक को भुगतने पड़ सकते हैं। विशाल को समझ आ गया था कि अब उसे करना क्या है। वो तुरंत मलिका के कमरे में गया। उसकी आवाज सुनकर मलिका उठ गई और उसे हैरानी से देखने लगी। विशाल बहुत गुस्से में था। उसने उसी वक्त मलिका के कमरे में छानबीन करना शुरू कर दिया। मलिका ने पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है, लेकिन विशाल ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सारी चीजें इधर से उधर कर दी और आखिर में विशाल को वो गुलाबी कपड़ा अलमारी के एक कोने में छुपा हुआ मिला। मलिका ये देखकर डर गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती विशाल ने उसे धक्का दिया और कमरे में बंद करके बाहर चला गया। हवेली से बाहर निकलकर जल्दी से उसने उस गुलाबी कपड़े को आग लगा दी और जैसे जैसे वो कपड़ा जलता गया मलिका के शरीर में भी जलन होने लगी। मलिका चिल्लाने लगी और उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता ने आकर कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि मलिका जमीन पर पड़े हुए रो रही थी। उन्होंने उसे संभालते हुए पलंग पर बैठाया और पानी पिलाया। जब वो थोड़ी शांत हुई
तो उसे अचानक अपने माता पिता के सामने ही किन्नरी मंत्र जाप शुरू कर दिया। लेकिन इस बार किन्नरी उसके सामने नहीं आई और ना ही वो खुद में शक्ति महसूस कर पा रही थी। वीरेंद्र ने पूछा कि उसे क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो डर के मारे बस कांप रही थी। वीरेंद्र और महिमा उसे आराम करने देने के लिए कमरे में ही छोड़कर चले गए। उस रात अनु भी अच्छा महसूस करने लगी और अगली सुबह होते ही विशाल उसे अस्पताल से लेकर उसके घर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ मलिका की हालत खराब थी। रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आई। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे अचानक से सर में दर्द होने लगा और उसे डरावनी तस्वीर दिखने लगी। फिर उसके कान में एक आवाज गूंजने लगी, खुद को मार दे। ये सुनते ही मलिका ने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से खुद को थप्पड़ मार रही थी, तभी महिमा कमरे में आई और उसने मलिका को ऐसा करते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने मलिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन मलिका ने उसे धक्का मारा और सामने पड़ा हुआ चाकू उठा लिया। वो उससे अपने हाथ को गोदने लगी और महिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर वीरेंद्र वहां आया और उसने मलिका को किसी तरह पकड़ लिया। उसी समय मलिका बेहोश हो गई। फिर डॉक्टर को बुलाया गया जिन्होंने इसका इलाज किया। ज्यादा खून बहने के कारण मलिका 2 दिन तक बेहोश रही। फिर तीसरी रात को जब उसे होश आया तो अचानक उसे आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उससे उसका सर ही फट रहा था। फिर इतने में ही वो पुतले की तरह उठकर बैठ गई, मानो अचानक किसी ने उसे हुक्म दिया हो। उसने अपने पास रखा हुआ एक चम्मच उठाया और तेजी से वीरेंद्र के कमरे में जा पहुंची। वीरेंद्र तब तक जाग रहा था। उसने जब मलिका को देखा तो उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसे होश आ गया है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही मलिका ने उसकी नाक में चम्मच घुसा दिया और वीरेंद्र दर्द से चिल्लाने लगा। महिमा उसकी चीख सुनकर उठी और उसके मुंह से भी चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? ये क्या किया तूने? मलिका ने उसे भी धक्का मारा और गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगी। उसी समय विशाल और अनु हवेली में आए ताकि वीरेंद्र और महिमा को मलिका की करतूत बता सके। लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा वो देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब वो हवेली पहुंचे तो उन्हें वीरेंद्र के कमरे से आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर दोनों उनके कमरे में गए और उन्होंने देखा कि मलिका अपनी माँ के बालों को पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ वीरेंद्र दर्द के मारे अपनी नाक से चम्मच नहीं निकाल पा रहा था। इतने में ही अचानक वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। विशाल और अनु ने मलिका को पकड़ा और उसे महिमा से दूर किया और इतने में ही मलिका भी बेहोश हो गई। उसके साथ ऐसा ही हो रहा था जैसा अनु के साथ वो खुद कर रही थी। फिर विशाल ने उसे भी गांव के उसी अस्पताल में भेज दिया जहां अनु थी और मलिका भी उसी बुरी हालत में पहुंच गई जहां अनु थी। मलिका के पागल होने की बात पूरे गांव वालों को पता चल गई। वहीं विशाल ने गांव वालों को यह बता दिया कि अनु अब ठीक हो गई है। महिमा वीरेंद्र की मौत और मलिका के पागल होने से मानो सदमे में चली गई। वो कुछ बोलती भी नहीं थी, इसलिए विशाल ने ही उसकी जिम्मेदारी उठा ली। इस तरह मलिका को किन्नरी साधना का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। वो जिंदगी भर अस्पताल में ही उस अंधेरे कमरे में रही। वो अनु की तरह ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, लेकिन ना तो वो मर पा रही थी और ना ही जी पा रही थी। हमेशा उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे थे, लेकिन हर बार गहरी से गहरी चोट देने पर भी वो बच जाती थी। महिमा ने कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी नज़र में भी वो उसके पति की खूनी थी। वहीं दूसरी तरफ विशाल ने अनु से शादी करके अपना घर बसा लिया और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए
आप मेरे चैनल सूरज की कहानियां जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।